सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा जी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जानने के लिए। Hi friends, I am Rishabh Mishra. Welcome to my channel Mishra Ji TV. Friends, आप में से बहुत लोग चाहते होंगे कि क्यों ना अपना खुद का एक एंड्रॉयड ऐप बनाए, जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत लोगों के पब्लिश हैं ऐप, बहुत लोग प्ले स्टोर में हैं जैसे इनिंग ऐप, वॉलपेपर ऐप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके मन में भी कभी विचार आया होगा कि अपना ऐप बनाते हैं। तो ऐप बनाने के लिए आप जानते होंगे शायद कि आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पर आज से मैं अपना एक ऐप बनाने के वीडियोस डालने जा रहा हूँ, ऐप बनाने का पूरा ट्यूटोरियल चालू कर रहा हूँ। पूरी ये जर्नी होगी एक पूरा ऐप सब, मैं एक पहले आपको ऐप बनाना सिखाऊंगा, बाकी अलग अलग तरीके के थोड़ा बताऊंगा। ये पूरी जर्नी कुछ हम लोग वन मंथ की होगी। तो स्टार्टिंग, ये जो आज वीडियो है ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो ऐप होता है, कई लोग आप जानते भी होंगे, और मैं जो ऐप आपको बनाना सिखाऊंगा वो बिना कोडिंग बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होगा, सिंपल ऐप होगा, अपने आप से आपको डिज़ाइन करना होगा, ना कोई कोडिंग ना कुछ। पर जो ये ऐप मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके के होंगे, आप देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फिर आगे की वीडियो, ताकि आप देख पाएं। तो ये वीडियोस हमारी चालू हो जाएंगी कल से, पर डे मैं एक एक वीडियो डालता रहूंगा उसी की। तो ये जो हमारा ऐप रहेगा, आप बता दीजिएगा तो ऐप किस चीज़ पे बनाए। पर वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक इर्निंग ऐप बताते हैं, क्योंकि ऐप से आप लोग शायद जानते हो, बहुत लोग जानते भी होंगे मेरे ख्याल से, कि अगर आपका कोई एंड्रॉयड ऐप है तो आप उससे खूब इर्निंग कर सकते हैं, खूब सारी, और इतनी अनलिमिटेड भी इर्निंग कर सकते हैं कि इसका आपका अंदाज कोई नहीं होगा। अगर आपकी ऐप जो ऐप होगी आपकी वो प्ले स्टोर पर चल जाती है और अच्छे परफॉर्मेंस देने लगती है तो आप उससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो मैं पैसे की बात बता रहा हूँ, ये पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, तो कई लोग नहीं जानते होंगे तो कई लोग सोचते होंगे कि जितने डाउनलोड होंगे उतने के हिसाब से कुछ रुपये मिलते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम लोग ऐप चलाते हैं, आपने अभी तक कोई ऐप चलाया होगा, उसमें ऐप में आपने कभी देखा होगा कि एड्स आते हैं, तो ऐड हमारे गूगल की तरफ से ऐड लगते हैं अपनी ऐप पे, वो ऐड आप जितने भी लगा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो जो ऐड लगते हैं उन ऐड के हमें गूगल पैसे देता, तो ऐड के पैसे देता है, ऐड के पैसे जब मतलब हम लोग ऐड खोलते हैं, मतलब ऐड हम लोग जब ऐप खोलते हैं, सॉरी ऐप खोलते हैं तो ऐड खुल के आते हैं, बैनर ऐड होते हैं तीन चार तरह के, एक बैनर, इंटरशियल, नेटिव और वीडियो ऐड। बैनर ऐड जो ऊपर कोने कोने में, ऊपर टॉप में बैनर टाइप में आते हैं और बॉटम में आते हैं, और इंटरशियल ऐड जो पूरी स्क्रीन में आते हैं, वीडियो ऐड जो वीडियो होती है पूरी स्क्रीन में, वीडियो चालू हो जाती है 30 सेकंड 32 सेकंड की। तो जो ऐड खुल के आते हैं उनके हमें कुछ बहुत कम रुपये मिलते हैं इम्प्रेस के हिसाब से, जैसे 0.01 ऐसे बहुत कम मिलते हैं। पर जो ऐड पे क्लिक होते हैं, जब कोई बंदा आपका ऐप चला रहा है और ऐड अगर उसके मतलब का निकल आता है तो उस ऐड पे क्लिक कर देता है, तो क्लिक के हमें ज़्यादा रुपए मिल जाते हैं इन कंपेरिजन टू इम्प्रेशन के। तो हम लोग ऐसे ही ऐप बनाने का पूरा सीखेंगे कि हम लोग मतलब ऐप जो बनाएंगे उसमें ये होगा। मैं आपको पूरा ऐप का बेसिक बता देता हूँ, उसमें मैं
रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज भी रखूंगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुल गया आएगा उस पे टास्क होंगे। टास्क के लिए हम लोग कुछ बटन दे देंगे 1 2 3 करके, फिर उसके बाद जब कोई बटन 1 पे क्लिक करेगा तो ऐड खुल के आएंगे। उनमें से एक ऐड पे कोई क्लिक करेगा, तो जब ऐड पे क्लिक करेगा तभी हम लोगों को सिर्फ ये पॉइंट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मतलब तो ऐड पे क्लिक करने की हम लोगों को भी डॉलर ज़्यादा मिलते हैं, इनिंग होती है गूगल की तरफ से, तो हम लोग उनको फोर्स करेंगे कि आप ऐड पे क्लिक करिए। ऐड पे वो लोग क्लिक करेंगे तो उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे, जो ऐप हमारा चला रहे होंगे उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे उनको 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने आपकी मर्जी उतना दे दीजिएगा। फिर ऐसे 5 6 बटन कर देंगे, वो लोग अपने पॉइंट्स इन करेंगे जो आप चलाएंगे, आपको भी ऐसे डॉलर मिलते रहेंगे, इर्निंग होती रहेगी आपकी। फिर आखिर में उन लोगों को एक रिडीम का ऑप्शन दे देंगे, जिसपे वो लोग जितने अपने पॉइंट्स इकट्ठा करे होंगे वो रिडीम कर लेंगे। तो उनको रिडीम के लिए पेटीएम में हम लोग पैसे, पेटीएम से फ्री चार्ज जो भी आपके पास हो उससे हम लोग उनको पैसे दे देंगे, सिंपल सा। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने उन्हें 10 पॉइंट दिए, एक क्लिक पे 10 पॉइंट दिए हैं, तो और फिर आपने 100 पॉइंट का उनको 1 रुपये दे रहे हैं, तो मतलब 100 पॉइंट का 1 रुपये दे रहे, मतलब 10 क्लिक होंगी तब उनके 100 पॉइंट होंगे। 10 क्लिक का आप 1 रुपये उनको दे रहे, तो 10 क्लिक का कम से कम आपको 50 रुपये मिलेगा, आपको 50 रुपये मिलेगा तब आप उनको 1 देंगे। तो आप सोच सकते हैं एक ऐप बनाने से कितना फायदा होता है। बट जो ऐप बने होते हैं जैसे प्ले स्टोर, मैंने बताया वॉलपेपर, वॉलपेपर वाले ऐप, उसमें कोई भी क्लिक नहीं करता ज़्यादा, क्लिक तभी यूज़र करते हैं जब उनके मतलब का ऐड होता है। तो हम लोग जो ऐप बनाएंगे वो ऐसा होगा कि उसको क्लिक करना ही पड़ेगा, जब तक वो क्लिक नहीं करेगा उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो उसकी अर्निंग नहीं होगी ना हम लोग की अर्निंग होगी। तो यही रहेगा हम लोग का ऐप। फिर ये जब ऐप बन जाएगा तो इसके बाद मैं सब आप लोगों को उसकी फाइल दे दूंगा, AI फाइल होती है एक, जिसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, अपनी एड एड यूनिट लगा सकते हैं, एड मो की तरह से, मतलब जो एड लगते हैं उसकी एक एड यूनिट भी होती, कोड होते हैं उनके, वो कोड लगाने पड़ते हैं हम लोग को, उसका भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो फिर जब ऐप बन जाएगा तो मैं उसका एक गिव अवे रखूंगा, उसमें से 5 6 लोगों को वो ऐप मैं अपना वाला दे दूंगा, बाकी लोग अपना जो वीडियो के होंगे उससे देख के ऐप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मतलब मैं जब वो ऐप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जो गिव अवे होगा उसका रिजल्ट मैं उसके 5 6 दिन बाद निकालूंगा। तो बीच के जो 5 6 दिन होंगे उस पे मैं आपको बता दूंगा, जैसे अलग अलग तरह के ऐप बनाना, जैसे मतलब कि हाँ आपने देखा होगा कई बार ट्रेन रनिंग स्टेटस के ऐप और शॉपिंग के ऐप। तो शॉपिंग के ऐप तो मतलब या तो फिर आपके कोई शॉपिंग वेबसाइट हो तो आप बना सकते हैं, या फिर जैसे आप शॉपिंग का ऐप बनाना चाहते हैं एक ऐप बना सकते हैं कि ऑल इन वन कुछ करके, ऑल इन वन शॉपिंग स्टोर। तो उसमें आप ऐप के अंदर खूब सारे बटन दे दीजिए, जैसे बटन 1 फ्लिपकार्ट की, दूसरी अमेजोन की बटन, तीसरी मंत्रा की बटन, ऐसे सारी बटन दे दीजिए शॉपिंग वेबसाइट की। और फिर जब कोई भी ऐप में क्लिक करेगा, जैसे फ्लिपकार्ट पर उसने क्लिक करा तो फ्लिपकार्ट का पेज खुल जाएगा, अमेजोन पे क्लिक किया तो अमेजोन का खुल जाएगा। तो मैं ऐसे ही आपको ऐप बताऊंगा बनाना, तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस भी आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और जो ये ऐप हम लोग बनाएंगे, लास्ट चीज, जो ये ऐप हम लोग बनाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना कोडिंग के ऐप बनाएंगे, ये आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो सुनते हुए कि किस चीज़ पे बनाएंगे ऐप, ऐसा कैसे हो जाएगा कि बिना कोडिंग के। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐप बनाने के लिए एक एक दो बहुत सारे मतलब ऐप बिल्डर होते हैं,
पहली बात तो वेबसाइट्स होती हैं कुछ कुछ फेक होती हैं, जैसे ऐप्स गियर ये सब वेबसाइट फेक है, इन पे आप कभी ना जाइए। ये सब अपने ऐड लगा देती हैं और से आपकी अर्निंग भी नहीं होती है। तो जो प्रोफेशनल है ऐप बिल्डर जो अच्छे लगे मुझे, तो सबसे नंबर पे वन पे मेरे हिसाब से मेकरॉइड है। मेकरॉइड ये बहुत अच्छा ऐप बिल्डर। और फिर दूसरे नंबर पे थंकेबल। थंकेबल और मेकरआउट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें हैं जो मतलब मेकरऑयड में ज्यादा है, थंकेबल में कम है। जैसे कि थंकेबल में अगर आपको वीडियो ऐड लगाना है तो वीडियो ऐड का ऑप्शन नहीं है, आपको इंटरशियल ऐड ही चूज करना पड़ेगा, उसकी जगह पे वीडियो ऐड का कोड डालना पड़ेगा। आएगा वीडियो ऐड पर आपको कोड उसका डालना पड़ेगा, थोड़ा झंझट का काम, पर आपको मेकरऑयड में सीधा वीडियो ऐड मिल जाएगा। और मेकरॉइड में एक चीज और आपको मिल जाती है, जैसे कि जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, जैसे किसी ने ऐड पे क्लिक किया तो उसके पॉइंट्स ऐड हो, ऐसा ऐसा हो कुछ भी, जैसे ऐड पे किसी ने क्लिक किया तो उसके पॉइंट्स 10 पॉइंट 20 पॉइंट जितना आप देना चाहते हैं तो नया ऐड हो जाए। पर थंकेबल पे ऐसा नहीं है, थंकेबल पे इसका ऑप्शन ही नहीं होता कि ऐड पे क्लिक हो तब ये चीज आगे बढ़े। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेकरॉइड ज़्यादा अच्छा है। बाकी जब हम लोग ऐप बनाएंगे तो आप सब समझ ही जाएंगे कि कौन सा अच्छा है। इसकी पहले से भी मतलब मेकरॉइड और थंकेबल की पहले से भी बहुत सारी वीडियो पड़ हुई हैं यूट्यूब पे, पर मैंने भी सोचा कि अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं उन्हें एक सिंपल और सिंपल तरीके से ऐप बनाना बताते हैं, क्योंकि हमारे हम अपने ऐप बना चुके हैं खूब सारे और मेरी अच्छी खासी इनिंग होती भी है ऐड मोब से, जो गूगल ऐड जो करता है मेरे, हालांकि यूट्यूब चैनल है उससे इतनी ज़्यादा इनिंग नहीं होती, बट ऐड जो ऐप होता है उससे बहुत ज़्यादा इनिंग होती है। तो मैंने भी सोचा, बहुत सारे मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे थे कि भाई मेरा भी ऐप बना दे और ये सब कर दे, तो उन्होंने फिर हमने उन्हें मना कर दिया था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं बना पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो ऐप बनाना जानते हैं तो वो ऐप बनाने के भी पैसे लेते हैं। तो अगर आप भी वीडियो हमारी देख के ऐप बनाना सीख जाते हैं तो आप भी किसी अपनी फ्रेंड का ऐप बना सकते हैं, उसे 50 रुपये 100 रुपये जितने आपको लेने उतने ले सकते हैं, जितना अच्छा ऐप बनाए। तो जब अभी छुट्टियां हुई तो मैंने सोचा चलो ऐप बनाना बता ही देते हैं। तो अब जो हमारे फ्रेंड्स थे वो तो बहुत सारे थे, तो मैं अलग अलग तो सबको बता नहीं सकता था, तो हमने उनसे कह दिया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, मैं वीडियो डालता रहूँगा। अब मैं इसे अलग अलग तो एक दिन उसे ऐसे तो बता नहीं सकता, तो मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी थोड़ा लोग देख लेंगे और बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा, तो एक ही बार में हमारा सबका काम हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, तो इसीलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो इंट्रोडक्शन था आज का हमारा ऐप का, ये ऐप कैसे बनाना है ये सब और किस लिए बनाते हैं हम लोग ऐप अर्निंग के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन अब खत्म हो गया। अब ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और बाकी एक चीज़ और है कि आप अगर कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं कोई भी किसी भी टाइप का, तो आप मेरी वीडियो पे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का ऐप चाहिए, तो मैं 4-5 दिन में उसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।